हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक और रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है कि दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होगा, और साथ ही में असाइनमेंट को लेकर के आपका कुछ कंफ्यूजन भी है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि असाइनमेंट को लेकर के आपका क्या कंफ्यूजन है। तो देखिए, ऐसे बहुत से रीजनल सेंटर है जिनकी तरफ से आपको बताया नहीं गया है कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होगा या फिर ऑफलाइन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जो आपका असाइनमेंट है वो ऑफलाइन मोड में ही सबमिट लिए जाते हैं, और आपके रीजनल सेंटर की तरफ से अभी तक कुछ नहीं बताया गया है तो आप अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के ऑफलाइन मोड में भी सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपके रीजनल सेंटर की तरफ से लिंक वगैरह जब जारी किया जाएगा तो वो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा इस पोर्टल पर। तो अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट को सबमिट करना है तो इसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। और जो भी पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है उनका बहुत मैसेज आता है कि हमें असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना होगा, तो आप अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है तो इसके लिए लिंक जारी किया जाएगा, तो जब लिंक आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। और साथ ही में जिस भी रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आता है और उसको मैं जिस भी वीडियो में बताता हूँ तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है दिसंबर 2021 असाइनमेंट। और अब बात करते हैं कि आज कौन से रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, कि आपको असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना होगा। तो कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है कि आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर या फिर रीजनल सेंटर पर सबमिट कर दिया है तो आपको दोबारा से असाइनमेंट को सबमिट नहीं करना होगा। अगर आप दोबारा से असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो जो आपका असाइनमेंट का रिजल्ट है उसको अपडेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपने पहले ही सबमिट कर दिया है तो आपको फिर से सबमिट नहीं करना होगा, और जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये गूगल फोरम का लिंक ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होगा, और यहाँ पर आपको कुछ चीजें भी बताया गया है, तो इसको भी आप समझिए। सबसे पहले आपको बताया गया कि फ्रंट पेज पर आपका क्या क्या डिटेल रहना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लेना, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि पीडीएफ फाइल का नाम आप कैसे रखेंगे। सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर और उसके बाद सब्जेक्ट कोड रहेगा, और आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आपको अलग अलग पीडीएफ फाइल बनाना होगा, और पीडीएफ फाइल का साइज जो है 10 MB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक खास इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि असाइनमेंट के हर एक पेज पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करना होगा। एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा और सिग्नेचर करना होगा असाइनमेंट के हर एक पेज पर, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका असाइनमेंट है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। और देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी देंगे असाइनमेंट को सबमिट करते समय, तो उसी ईमेल आईडी पर जो आपका असाइनमेंट सबमिशन का रिसिप्ट है वो सेंड किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका वही सभी डिटेल आ जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, स्टडी सेंटर का कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास जितने भी पीडीएफ फाइल है आपको 1 by 1 यहाँ पर असाइनमेंट को अपलोड करना होगा, यानी कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट का असाइनमेंट है तो ये फॉर्म जो आपको 8 बार भरना होगा। और पीडीएफ फाइल को अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे, और आपका फाइल जहां पर भी रखा गया है उसको आप पिक करेंगे, इस तरीके से पिक करेंगे, और यहां अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका जो पीडीएफ है वो यहां पर इस तरीके से अपलोड होगा, और उसके बाद यहां आप सब कुछ भरने के बाद, सभी डिटेल्स देने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका असाइनमेंट जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। बाकी जो गाइडलाइंस वगैरह दिया गया है उसको आप एक बार और अच्छे से चेक कर लेना, पीडीएफ फाइल वगैरह आप कैसे बना सकते हैं चैनल पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।